सो हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वाइल्ड रिफ्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई हैं, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हम वीपीएन से एक्सेस अभी आगे नहीं कर पाएंगे, या फिर न्यू अकाउंट जो बना पा रहे थे वीपीएन से वो नहीं हो पाएगा, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि इन्होंने वीपीएन में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं और वीपीएन को जो सर्विस थे वो सब कुछ इन्होंने बंद करने का मतलब डिसीजन लिया है। और ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए हैं इन्होंने, और वो सारे ट्वीट्स के साथ ही मैं आप लोगों को पूरा फंडा इसका बताऊंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो यहाँ पे ट्विटर पे मैंने जब कल ओपन किया ट्विटर, तो यहाँ पे कुछ एक ट्वीट किया गया था हिडियो इकिदा ने। तो यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ प्लीज़ रीड, वाइल्ड रिफ्ट की तरफ से। तो यहाँ पे लिखा था, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक बहुत ही लंबा चौड़ा मतलब भाषण एक बोल सकते हो, उसका मैं शॉर्ट से आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे लिखा है, अपकमिंग चेंजेस टू वीपीएनस, वी आर मेकिंग सम एक्सेस चेंजेस टू प्लेयर यूजिंग वीपीएनस टू प्ले वाइल्ड रिफ्ट। हे एवरीवन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बेस्ट इन गेम एक्सपीरियंस, वी आर मेकिंग अ फ्यू चेंजेस टू वीपीएन लॉगिन्स अक्रॉस ऑल आवर गेम्स, विच इज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट बींग ऑन वाइल्ड रिफ्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला था कि वीपीएनस कुछ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं वीपीएन, वो सब का सर्विस हम बंद करने वाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ लीग ऑफ लेजेंड्स में ही नहीं, लीग ऑफ लेजेंड्स वाइल्ड रिफ्ट में दोनों में ये लागू होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो ये वीडियो मैं आज क्यों डाल रहा हूँ, कल भी डाल सकता था, क्योंकि कल न्यूज़ आई थी, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इमीडिएटली इन्होंने जो बोला है इमीडिएटली जो इफेक्टिव होगा जो वीपीएनस का, तो मैं भी वीपीएन यूज़ करके लॉगिन कर पा रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पे मैंने आज सुबह लॉगिन किया, आज अभी जब वीडियो डाल रहा था तब उससे पहले भी लॉगिन किया था, सब में लॉगिन हो रहा था। मेरा एक फ्रेंड है, एक भाई है, वो भी लॉगिन कर रहे थे, उनका भी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं कि किस तरह से ये वीपीएनस पे चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो वीपीएन न्यू अकाउंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, जो कि कोई और जीमेल से या फिर इंडियन जीमेल से कोई वीपीएन लगा के करते हैं ना, जो कि क्या बोलते हैं उसको, एक न्यू अकाउंट बनाने के लिए जो पहले वीपीएन यूज़ होता है ना, वो वाला वीपीएन वो सब सर्विस बंद करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हो जाएंगे तो इनका सर्वर हैंडल नहीं कर पाएगा, अगर सर्वर हैंडल करता तो ये डायरेक्ट लॉन्च कर देते ना ग्लोबल, बेटा में क्यों, बेटा फेज में क्यों रखते। तो यही रीज़न है, इसी वजह से इन्होंने वीपीएन चेंजेस किए गए हैं। और जिन लोगों का अकाउंट है उन लोगों का अकाउंट बैन नहीं होगा, उन लोग वीपीएन से एक्सेस कर पाएंगे। और एक बार तो वीपीएन लगा के एक्सेस कर लेने में वो ऑटो लॉगिन हो जाता है अपने आप, अगर कभी ज़रूरत पड़े एक दो हफ्ते के बीच तो आप फिर से वीपीएन लगा के कर सकते हो, क्योंकि मैंने आज किया, आज तो चल रहा था। और जो अकाउंट है आपका अकाउंट नहीं जाएगा, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है, आपका अकाउंट भी बैन किया जाएगा क्योंकि आपने वीपीएन लगा के यूज़ किया, तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दिए हैं, चलो वो पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या मैं बेटा रीजन में हूँ पर वीपीएन लगा के यूज़ करता हूँ तो क्या मुझे भी ब्लॉक किया जाएगा? तो इन्होंने बोला है ऐसा कुछ नहीं होगा, इफ़ यू हैविंग ट्रबल लॉगिन इन प्लीज़ कॉन्टैक्ट प्लेयर सपोर्ट, ऐसा इन्होंने बोला है। और जो लोग बोल रहे थे कि आर यू गोइंग टू चेंज दिस पॉलिसी वंस थिंग्स काम डाउन, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि वी मे इन द फ्यूचर बट डोंट हैव इमीडिएट प्लान्स टू रिवर्ट दिस। तो इन्होंने एक और क्वेश्चन का आंसर दिया है, कौन से कंट्री स्पेशली ब्लॉक्ड होंगे, विच कंट्रीज आर स्पेशली ब्लॉक्ड। तो इन्होंने इसका आंसर देते हुए कहा कि वी आर स्टार्टिंग विथ ब्लॉक ऑन द हाइस्ट वॉल्यूम वीपीएन सर्विसेज आउटसाइड द बेटर रीजन्स, वी विल कंटिन्यू टू एवेल्यूट वेदर एडिशनल वीपीएन सर्विसेज नीड टू बी एडेड टू द लिस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर हम अभी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वीपीएनस हैं, जो कि बेटर रीजन्स के बाहर यूज़ होते हैं लॉगिन करने के लिए, उन सबको ब्लॉक कर रहे हैं, और आगे अगर कुछ और भी वीपीएनस आए तो उन वीपीएनस को भी हम लिस्ट में ऐड करेंगे, तो ऐसा बोला है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि ये है, आई हैव बिन ब्लॉक्ड बाई दिस चेंज एंड रियली वॉन्ट टू प्ले द गेम, हाउ डू आई गेट एक्सेस नाउ। तो यहाँ पे इन्होंने इसका आंसर देते हुए बोला है, वी आर वर्किंग टू गेट वाइल्ड रिफ्ट अवेलेबल वर्ल्ड वाइड एज क्विकली एज पॉसिबल बट वी डोंट हैव एनीथिंग मोर टू शेयर ऑन टाइमिंग येट, बिलीव अस दैट वी
हैड कटिंग ऑफ एक्सेस टू एनी वन, बट वी थिंक दिस इज द राइट मूव टू प्रोवाइड द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे ऐसा बोला है इन्होंने, तो समझ लो गाइस अभी तो मेरा एक्सेस हो रहा है VPN से, मतलब मेरा अकाउंट बन चुका है इसलिए एक्सेस हो रहा है शायद, और जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना और न्यू अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि मुझे दो तीन बंदे ने कल शाम को या फिर रात को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और बोला कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, मतलब अकाउंट फिर से मैं न्यू अकाउंट नहीं बना पा रहा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा इसीलिए लगता है कि न्यू अकाउंट जो बन रहे हैं और हैवी सर्वर में लोड जा रहा है और गेम लैग हो रहा है, तो इस सब की वजह से इन्होंने VPN सर्विस को कटअप करने का सोचा है। पर जो भी डिसीजन लिया है इन्होंने सही लिया है, और गेम प्ले एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करने के लिए और जल्दी से जल्दी इंडिया के लिए भी आ जाए, जो कि अभी तो नहीं आने वाला, 2021 के मार्च के आसपास बोल रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है। तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, सायोनारा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके जाना।